चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आगाज़ इंस्टीट्यूट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, 21 मई को होना है। आज से यदि हम देखें तो ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, मुश्किल से 2-3 दिन आपके पास शेष है। अब देखो, अंतिम समय में हम आपके लिए ऐसे 20 टॉपिक लेकर आए हैं, जिन 20 टॉपिक को आपको पढ़कर एग्ज़ाम में अवश्य जाना चाहिए। ये 20 वे टॉपिक हैं जो पूरे साल चर्चा में रहे। अगर एमपीपीएससी के लिए एक आदर्श पेपर तैयार होता है, जो एमपीपीएससी की डिमांड को फुलफिल करता है, तो उस पेपर में इन टॉपिक से या इन टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनसे प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं आखिर में वे 20 कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन 20 टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं टॉपिक के नाम बताऊंगा, है ना, इन टॉपिक के विषय में आपको स्वयं पढ़ना है। हालांकि बहुत सारे टॉपिक जो पीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है पूरी ईमानदारी से, तो इन 20 टॉपिक में से उसने अवश्य टॉपिक पढ़े होंगे। अगर इन 20 टॉपिक में से कुछ टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको फटाफट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 20 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे पीएससी में कहीं ना कहीं सीधा प्रश्न आ सकता है या फिर कोई लिंक प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है, आइए तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो 20 टॉपिक जिनसे इस बार परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, वह टॉपिक है फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, आप सब जानते हैं जो अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ, तो अक्सर ये देखा गया है एग्जाम में कि जिस वर्ष भी फीफा वर्ल्ड कप या कोई भी स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट होता है, तो उस स्पोर्ट्स के इवेंट से एग्जाम में अवश्य प्रश्न होता है ना, चाहे ओलंपिक हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, है ना। तो कहीं तो इन टॉपिक से प्रश्न, स्पोर्ट्स के इन बड़े इवेंट से प्रश्न एग्जाम में अवश्य होता है। हो सकता है इस बार फीफा वर्ल्ड कप से प्रश्न पूछा जाए। अब फीफा वर्ल्ड कप इस वर्ष जो कतर में हुआ, तो कतर में कहाँ कहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, ठीक है, कौन कौन से शहरों में आयोजित हुआ। जब फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ तो इसका जो आयोजन जब शुरू हुआ था, है ना, जो शुभारंभ था वो किसने किया, ठीक है, जो विजेता है वो कौन है, गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लोव्स, ये जितने भी अवार्ड पुरस्कार मिलते हैं फीफा वर्ल्ड कप में, तो इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा देश विजेता रहा, कौन सा देश उप विजेता रहा, और अब अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, है ना, सारे ही रिलेटेड प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई, है ना, फीफा जो संस्था है ये कब बनी थी, इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं ये आपको एग्जाम में अच्छे से याद करके जाना है फीफा वर्ल्ड कप से। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वह है G20 समिट। आप सब जानते हैं पिछले काफी महीनों से हमारे देश में G20 समिट जो है वो काफी चर्चित है, और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि G20 समिट से एग्जाम में इस बार अवश्य कोई ना कोई प्रश्न होगा। हो सकता है वो G20 देशों के नाम पूछ लें कि कौन सा देश G20 में शामिल है, G20 कहाँ, G20 जो है इसकी स्थापना कब हुई, भारत कब शामिल हुआ था, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से पूछी जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप G20 के विषय में बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन टॉपिक को, आप सिंपली गूगल भी करेंगे तो इतने आपको उतनी जानकारी तो मिल ही जाएगी जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो फटाफट आप इन सारे टॉपिक के विषय में अच्छे से जानकारियां जुटा लीजिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान, है ना। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो लोग डेली न्यूज़ देखते हैं, या जो लोग थोड़े बहुत भी सोशल मीडिया आदि से जुड़े हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इस साल क्यों इतना चर्चा में रहा। ठीक है, आप सब जानते हैं साउथ अफ्रीका से, है ना, नामीबिया से हमारे देश में चीतों को लाया गया, उन चीतों को
राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया। अभी हाल ही में कुछ चीतों की मृत्यु भी हुई है ना, वो खबर भी काफी चर्चा में थी। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को बसाया गया, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, या फिर मैं यूं कहूँ कि एक बहुत बड़ा करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये, जहाँ से प्रश्न अवश्य परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। चीतों से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है चीते का साइंटिफिक नाम क्या है ये पूछ ले, चीते भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किए गए थे ये पूछ ले, ठीक है, या फिर चीतों से रिलेटेड जितने भी अदर फैक्ट्स हैं, है ना, कि जो भारत में जो चीते लाए गए, कितने लाए गए, नर कितने थे, मादा कितनी थी, किस तारीख को लाए गए, कितने शुरुआत में लाए गए, ठीक है, उनके क्या नाम रखे गए। शिवराज सिंह चौहान ने तो अभी जो एक चीते के जो बच्चों ने जन्म लिया था, तो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने तो ट्वीट करके लोगों से राय ली थी कि बताइए इसका नाम क्या रखें, है ना। तो मतलब काफी बड़ा मुद्दा था चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो लाकर बसाया गया, है ना। तो यहाँ से भी मैं मानता हूँ कि एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर कौन कौन से जीव हैं, या चीते जो यहाँ पर लाकर बसाए गए, है ना। तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पश्चात यदि हम बात करें, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पश्चात अगला जो हमारा टॉपिक है वह है पद्म अवार्ड, ठीक है। आप सब जानते हैं पद्म अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते हैं, किसी साल नहीं आते हैं, लेकिन पद्म अवार्ड एक ऐसा टॉपिक है ना, कि इसको आपको पढ़ना ही है ना, मतलब पढ़ना ही है, कि जैसे ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हो, है ना, और कोई ऐसा क्रिकेटर हो जो कि जैसे क्रिस गेल का मान लेते हैं कि क्रिस गेल अगर खेल रहा है और आप ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो, तो उसको अवश्य आप अपनी टीम में शामिल करते हो, क्यों, क्योंकि चांसेस हैं चलने के। तो ये पद्म अवार्ड भी एक ऐसा ही टॉपिक है, अगर आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, व्यापम, एमपीपीएससी, कोई सी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पद्म अवार्ड तो स्टूडेंट अवश्य पढ़कर जाता है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो पद्म अवार्ड आपको पढ़ लेना है। अब देखो पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तो आपको सारे अच्छे से रट लेना है ना, और साथ में ये भी याद रखना है कि पद्म अवार्ड शुरू कब से हुए थे, ठीक है, पहले किसको मिला था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर याद नहीं रहे तो कोई इश्यू नहीं, आप ये जरूर याद रखेगा कि पद्म अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी, इस साल पद्म भूषण पद्म विभूषण किसे मिला, और पद्मश्री अवार्ड की तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, तो थोड़ा नजर मान लीजिएगा, और अगर कोई मध्य प्रदेश का उसमें व्यक्ति दिखे तो आप उसके नाम को रट लीजिएगा, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, आप रट लीजिएगा, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, चाहे पद्म विभूषण हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो पद्म अवार्ड आप अच्छे से कर लीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस हमारा आयोजित हुआ था 26 जनवरी को, तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे, है ना, जो झांकिया प्रस्तुत की गई तो उनमें से प्रथम स्थान किसे मिला, ठीक है, इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी आपको यहाँ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम अगले टॉपिक की बात करें तो वह है लिथियम, है ना। भारत में आप सब जानते हैं लिथियम के अभी भंडार मिले हैं, है ना, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही राजस्थान में भी लिथियम के भंडार खोजे गए, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ है कि अगर भारत जो है इन माइंस का, जो लिथियम की जो माइंस हैं, यहाँ से अगर अच्छे से इनका प्रोडक्शन करता है, अच्छे से लिथियम को निकाल कर उसका अच्छे से यूज करता है, तो भारत जो है आगे आने वाले सालों में लिथियम को लेकर एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन सकता है, क्योंकि आज भारत जो है लिथियम को लेकर चाइना और अदर देशों पर काफी निर्भर है, लेकिन जब भारत के पास स्वयं लिथियम होगा और तो भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी, और आप सब जानते हैं लिथियम जो है मोबाइल कि जो बैटरी है उस बैटरी को बनाने में यूज होता है, और आगे का जो समय है नैनो टेक्नोलॉजी का है ना, लिथियम की मांग तो आगे और भी बढ़ना ही है ना। तो लिथियम से रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम में हो सकते हैं, लिथियम किस प्रकार का तत्व है ना, भारत में कहाँ पर अभी खोजा गया, ये कहाँ यूज होता है ना, आपकी जो यूनिट है यूनिट 7, उस 7 यूनिट 7 में भी हो सकता है करंट अफेयर का प्रश्न ना आए, लेकिन यूनिट 7 में कोई लिथियम से रिलेटेड प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो आप अच्छे से लिथियम के विषय में पढ़िएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नंबर 6 टॉपिक, हाल ही में हुए चुनाव। अभी हाल ही में
हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए, और जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना, तो जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, उन पूर्वोत्तर भारत में भी अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। तो आपको इन सारे ही राज्यों में जो सबसे बड़ी पार्टी रही है वो कौन रही है, दूसरे नंबर पर कौन रही है ना, इतना आप थोड़ा देख लीजिएगा है ना, मतलब किसकी सरकार कहाँ पर बनी है। या अगर मान लो जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो नगर पालिका, नगर निगम और इनके जो चुनाव हुए हैं, तो उन चुनाव में आप ये आंकड़ा याद रखेगा कि महिलाएं कितनी जीती हैं। देखो नगर पालिका में इनमें कितनी महिलाएं जीती ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, महत्वपूर्ण ये रखता है कि जैसे नगर निगम, तो जो मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए हैं तो उनमें से कितनी महिलाएं मेयर बनी है ना, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ST SC के लिए कितने मेयर हैं, मतलब कितनी सीटें आरक्षित थी, क्या थी, है ना, इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं है ना, उन चुनाव से रिलेटेड, चाहे कर्नाटक का चुनाव ही क्यों ना हो, जो भी हाल ही में संपन्न हुआ, यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है। अब एक प्रश्न बच्चों के मन में कि सर 13 तारीख को तो चुनाव का रिजल्ट आया और 21 को हमारी परीक्षा है, तो क्या परीक्षा में प्रश्न हो सकता है? तो देखो चांसेस तो कम है कि कर्नाटक चुनाव से प्रश्न एग्जाम में हो, लेकिन अगर हम PSC के कुछ भूतकाल में जाएं है ना, तो 2017-18 में काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं कि इसराइल की राजधानी को लेकर एक प्रश्न एग्ज़ाम में आया था, जो कि बहुत, मतलब शायद 8 या 9 फरवरी को एग्ज़ाम थी और उसके 10-12 दिन पहले ही अमेरिका ने इसराइल की राजधानी घोषित की थी जेरूशलम को, और वो प्रश्न एग्ज़ाम में आ गया था, मतलब 12-15 दिन पहले की घटना को पेपर में पूछ लिया गया था। हालाँकि 13 और 21 में तो काफ़ी कम समय है ना, तो मुझे लगता नहीं है कर्नाटक चुनाव से कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा है ना, तो आप कर्नाटक चुनाव नहीं भी पढ़े तो भी कोई इश्यू नहीं है, है ना, थोड़ा बहुत नज़र मार ले, लेकिन आपको जो कर्नाटक चुनाव से पहले जो रिसेंटली 6-7 महीनों में जितने भी चुनाव हुए हैं, तो उन चुनावों को आपको अच्छे से याद रखना है ना, मतलब याद सिर्फ ये रखना है कि कौन से दल ने वहाँ विजय हासिल की, और मध्य प्रदेश में भी जो निकाय चुनाव हुए थे तो उनमें आप थोड़ा नगर निगम के चुनाव पर थोड़ी नजर रखेगा, महिला सीटों पर, ST SC सीटों पर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम ऑस्कर अवार्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि परीक्षा में प्रश्न अगर मैं कहूँ तो छप गया है ना, और अगर मैंने पेपर बनाया होता तो अवश्य ऑस्कर अवार्ड से तो प्रश्न देते ही है ना, क्योंकि भारत के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, अगर वो पेपर में नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे है ना। तो ऑस्कर अवार्ड से प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है कि भाई अभी जो एक हमारे भारतीय मूवी के एक सॉन्ग को और एक मूवी को है ना, शॉर्ट मूवी को जो अवार्ड मिला, तो कैटेगरी पूछी जा सकती है भाई उस गाने को कौन सी कैटेगरी में मिला, या जो मूवीज को जो अवार्ड मिला वो कौन सी कैटेगरी में मिला है ना, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि किससे मिला है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में भारत के कौन से गाने को अवार्ड मिला, या कौन सी फिल्म का है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी है ना, इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जोम्बी वायरस। जोम्बी वायरस काफी सुर्खियों में रहा है, आप सब जानते हैं, काफी वैज्ञानिकों का मानना है कि भाई जो वायरस हजारों साल पहले था है ना, मतलब इसको यूं बताया गया है कि भाई काफी पुराना वायरस है जोम्बी वायरस है ना, जो फिर से देखा गया है ये, तो जोम्बी वायरस के बारे में भी आप थोड़ा सा जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली से संबंधित अनुच्छेद है ना। दिल्ली से संबंधित अनुच्छेदों की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप सब ने न्यूज वगैरह में एक खबर सुनी होगी, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं और वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों के बीच आए दिन टकराव होते रहते हैं ना, न्यूज में, न्यूज पेपर में खबर देखने को मिलती है कि आज अरविंद केजरीवाल ने LG को लेकर है ना, LG मतलब उपराज्यपाल, उपराज्यपाल को लेकर ये कमेंट किया, उपराज्यपाल ने ऐसा किया है ना। तो दिल्ली से रिलेटेड जो अनुच्छेद है ना, उन पर एक दोनों के बीच में टकराव और लड़ाइयां भी हो रही थी,
केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का मानना था कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमारे अंडर में हैं। उपराज्यपाल का मानना था कि नहीं, आपके अंडर में ये चीजें नहीं हैं, इन पर तो हमारा अधिकार है। और फिर दोनों जो हैं सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और वहां सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला भी दिया है। तो हो सकता है दिल्ली से रिलेटेड जो अनुच्छेद है ना, काफी सुर्खियों में रहे, ये काफी हॉट टॉपिक था। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई कौन से अनुच्छेद के तहत दिल्ली को मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहां पर विधानसभा जो है ना, तो उसका अधिकार है ना, या दिल्ली को विशेष अधिकार दिए गए हैं? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती नहीं है, लेकिन दिल्ली में विधानसभा है, जबकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आपसे ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव। अभी हाल ही में हमारे भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं है ना, तो राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या होंगे? प्रश्न ये हो सकता है कि भाई राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, अभी हाल ही में कौन राष्ट्रपति बना है ना, या फिर राष्ट्रपति को कितने मत मिले, दूसरे नंबर पर कौन रहा, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति से भी और उपराष्ट्रपति से भी। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा परीक्षा में, छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दल बदल कानून की, है ना, काफी सुर्खियों में रहा ये दल बदल कानून। ठीक है, अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी महाराष्ट्र वाले केस में काफी सख्त टिप्पणियां की हैं, है ना, कि जो पार्टी है ना, जो राजनीतिक पार्टी है, वे दल बदल कानून का कुछ फायदा भी उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो दल बदल कानून से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, ये कब जोड़ा गया या फिर ये क्या है ना, इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। दल बदल कानून में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो भाई एक दल ही पूरा उठकर है ना, जो एक दल था है ना, उस दल के कुछ मेंबर दूसरी पार्टी के साथ चले गए, उन्होंने अपने आप को दल घोषित कर दिया कि भाई वास्तविक दल तो हम है ना। तो ये किस प्रावधान के तहत ऐसा हो सकता है ना, तो ये सारी चीजें एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं आपसे। तो दल बदल कानून आपको अवश्य देखना है, और ये एग्जाम में आता भी कई बार दल बदल कानून आया है कि संशोधन कब हुआ है ना, कौन सा यह संशोधन था, ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है दल बदल कानून में, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन। क्यों कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की बात? क्योंकि मोदी जी कह कर गए हैं एक वंदे भारत तो मैं ये चला रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपको दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो हुई है ना, अभी पहली वंदे भारत ट्रेन हमारे मध्य प्रदेश में चली है। तो इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में चली है ना, क्योंकि आपने देखा होगा वंदे भारत को काफी प्रमोट किया जा रहा है सरकार की ओर से भी, और अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की ओर से भी है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज है तो उसका प्रमोशन होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है, तो एग्जामिनर बिल्कुल अपेक्षा करेगा कि भाई आपको जानकारी हो कि वंदे भारत ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ और कब शुरू हुई, तो वंदे भारत ट्रेन आप अवश्य देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मन की बात। इसके मन की बात तो मोदी जी के मन की बात है ना, जो देश के लिए उन्होंने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे किए हैं है ना। तो पूछा जा सकता है मन की बात से भी रिलेटेड है ना, कि पहली बार मन की बात कब की थी, क्योंकि एक मन की बात का जो 100वां एपिसोड हुआ था, तो आप सबको पता है कितना उसको एक बड़े सेलिब्रेशन की तरह उसे सेट किया गया है ना, एक सेलिब्रेशन की तरह उसे 100वें एपिसोड को मनाया गया। तो जो 100 एपिसोड जो पूरे हुए हैं मन की बात को, एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो आप अच्छे से मन की बात को भी, मन की बात की शुरुआत कब हुई थी, 100 एपिसोड कब पूरे हुए है ना, ये थोड़ा आप देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो और नासा है ना। इसरो और नासा की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? तो इसरो और नासा की बात इसलिए की जा रही है स्टूडेंट, क्योंकि अभी हाल ही में इसरो ने है ना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। अगर आपको पता हो, अगर आप करंट अफेयर्स से अवेयर रहते हो तो आपको अवश्य पता होगा है ना, इसरो के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तो इसरो ने अभी रिसेंटली जितने भी
रॉकेट वगैरह या उपग्रह वगैरह लॉन्च किए हैं, तो थोड़ा उनके बारे में देखेगा। और इसी साल चंद्रयान 3 और आदित्य 1 की भी लॉन्चिंग होने वाली है ना। इसरो ने कहा है कि 2023 के मध्य या अंत तक हम चंद्रयान 3 और आदित्य 1 को लॉन्च करेंगे। तो इसरो से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में हो सकता है और नासा से रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि नासा ने भी हाल ही में एक दो अचीवमेंट हासिल किए हैं, है ना। एक अचीवमेंट क्षुद्र ग्रहों से रिलेटेड है ना। तो आप थोड़ा इनके बारे में भी देखिएगा, नासा का फुल फॉर्म क्या है, और नासा के भी जो रिसेंटली 5-6 महीने में 5-6 महीने पहले जितने भी उसने जितनी भी लॉन्चिंग की है, तो थोड़ा आप वो देखिएगा। अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मैं इन टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स वगैरह या कुछ जानकारी आप तक मैं पहुंचा दूंगा, है ना। आप कमेंट कर सकते हैं अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल आपको नहीं मिले तो, ठीक है। नेक्स्ट है SCO, है ना। SCO तो आपको अच्छे से करना ही है। क्यों अच्छे से करना है SCO, है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, है ना। उतने अच्छे क्या, अच्छे हैं ही नहीं अभी वर्तमान में, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, है ना, वो अभी भारत आए थे, है ना। SCO के तहत जो विदेश मंत्रियों का पूरा की जो बैठक हुई थी, है ना। SCO का फुल फॉर्म क्या है, SCO मतलब संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का फुल फॉर्म है ना। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 15 जून 2001 में ये शुरू हुआ था, है ना। और इसकी जो मेंबर कंट्री हैं, तो उन मेंबर कंट्री के भी आप नाम याद रखिएगा कि SCO के कितने मेंबर हैं, है ना। जैसे चाइना इसमें है, रशिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है ना, ताजिकिस्तान है। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे पाकिस्तान है ना, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई SCO में कौन कौन से देश जो हैं SCO में शामिल हैं, SCO में शामिल नहीं हैं, ठीक है। तो आप जो हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कि SCO को भी अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न हो सकते हैं। अभी जो बैठक हुई थी गोवा में आयोजित, तो वो भी आप देखिएगा, है ना। पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में भी SCO की बैठक कहाँ आयोजित हुई, कौन सी तारीख को हुई, SCO में कितने देश हैं, SCO की शुरुआत कब हुई थी, है ना। आप PAC का पुराना इतिहास उठाकर देखेगा, है ना। जब भी चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो या कोई और सम्मेलन हो आयोजित होता है, तो अगले साल या जैसे आयोजित हुआ और अगर 1-2 महीने बाद PAC है, तो वो क्वेश्चन डाल देता है पेपर में, पूछ लेता है कि भाई निम्न में से कौन ब्रिक्स कंट्री नहीं है या ब्रिक्स कब बना था, है ना। इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, तो हो सकता है कि SCO से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है WPL, जो भी वुमेन्स IPL हुआ था, है ना। महिलाओं का, लड़कियों का जो IPL हुआ था, तो वुमेन्स IPL से भी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब 2007 में IPL की शुरुआत हुई थी और उसके बाद के जो PAC के पेपर है आप उठाकर देख लेना, आपको IPL से रिलेटेड प्रश्न अवश्य मिलेंगे, है ना। किसे जो मैन ऑफ द सीरीज मिला है ना, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, है ना। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पुराने पेपर देखिएगा, IPL से प्रश्न परीक्षा में आए हैं। अब WPL की शुरुआत हुई है, तो चांस है कि इस बार WPL से भी परीक्षा में प्रश्न आए, ठीक है। कौन जीता, उपविजेता कौन रहा, कितनी टीमें थी, है ना, ये सारी चीजें। चलिए, मध्य प्रदेश के खेल और अवार्ड, मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट खेल हैं और उनके जो खिलाड़ी हैं, है ना, वो आपको देख लेना है। और अभी जो मध्य प्रदेश के विक्रम अर्जुन ये पुरस्कार हैं, विश्वामित्र वगैरह, ये आपको देख लेना है। हालांकि ये तो ऐसा टॉपिक है जो PAC की तैयारी करने वाला हर बंदा पढ़ता ही है, तो ये तो आपको लिए कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही होगा। क्योंकि अगर आप PAC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो जग जाहिर है कि इस टॉपिक को तो पढ़कर जाना ही पड़ता है ना। तो ये टॉपिक तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुर्की में जो भूकंप आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। तुर्की में इस साल जो भूकंप आया, वहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कितना रिएक्टर था, या फिर भूगोल में आ सकता है कि भाई भूकंप किससे मापा जाता है। भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था तुर्की की मदद के लिए, तो उस ऑपरेशन के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम, जो कॉलेजियम है ना, जजों की नियुक्ति से रिलेटेड इस साल सबसे ज्यादा अगर सुर्खियों में रहा, तो ये
कॉलेजियम का विवाद रहा है ना। इतना बड़ा मुद्दा था ये कि इस पे मतलब काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई है। तो हो सकता है एग्जामिनर कॉलेजियम से रिलेटेड पूछ ले कि कॉलेजियम क्या होता है, इसमें कितने जज होते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई है ना। कॉलेजियम प्रणाली आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि काफ़ी सुर्खियों में रही। और नेक्स्ट 20वां टॉपिक है वर्तमान पदाधिकारी और नियुक्तियाँ। अभी हाल ही में जो किसी किसी ग्रुप के, या हम बात कर लें चाहे इंटरनेशनल ग्रुप हो चाहे कोई इंडियन ग्रुप हो, उसका कोई अध्यक्ष बना हो है ना, तो वो आपको देख लेना है। या फिर अगर कोई संस्था हो है ना, जैसे सीबीआई वगैरह, ईडी वगैरह, अगर इनके निदेशक वगैरह चेंज हुए हो तो वो सारे आपको अच्छे से याद करके जाना है। सीबीआई के निदेशक तो अभी चेंज हुए हैं, परंतु वो हाल ही की घटना है तो लगता नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो पढ़ लेना, ठीक है। तो वर्तमान जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं अभी पिछले 6-7 महीने में, तो वो सारी की सारी नियुक्ति आपको देख कर जाना है। चाहे किसी कंपनी का, चाहे कोई, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, विप्रो है, टाटा है, इस प्रकार की जितनी भी बड़ी कंपनीज है हमारे देश में, अगर उन कंपनी का सीईओ, जैसे ट्विटर के सीईओ अभी चेंज हुए हैं, ट्विटर ही किसी और ने खरीद लिया है ना, तो किसने खरीदा, ट्विटर के सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है ना। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में होते हैं, तो आप ये जितने भी पदाधिकारी हैं वो, और अभी जो वर्तमान में कुछ नियुक्तियां जो हुई हैं वो आप अवश्य करके जाइएगा है ना। तो ये 20 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन 20 टॉपिक को अवश्य पढ़कर जाइएगा। और मुझे तो ये भरोसा भी है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 20 टॉपिक को तो उन्होंने पढ़ ही रखे होंगे है ना। तो आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे अगर कुछ टॉपिक इन 20 टॉपिक में ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप उनके विषय में थोड़ा बहुत ले ले जानकारी है ना। आप यूट्यूब पर देखेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो भी आपको मिल जाएगी, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी, और अगर कहीं पर भी न मिले तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इन टॉपिक से रिलेटेड जानकारियों के लिए, जानकारियों का, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, या कोई भी हेजिटेशन, डर हो एग्जाम को लेकर, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं है ना। आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे या पहली बार जो एग्जाम देंगे, तो काफ़ी उनमें डर होता है, हेजिटेशन होता है कि सर हमने इतना पढ़ लिया क्या है, सफिशियंट है या नहीं, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन आपको अपना 100% देना है, 100% देना है, और इस बार आपको पास होना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑल द बेस्ट सभी को अपनी एग्जाम के लिए।